अच्छा जी, जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी अबाउट द बजट एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उस पर एक बात मैंने कही थी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। सो अबाउट दैट मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि यार आप शॉर्ट टर्म किसको काउंट करते हैं और लॉन्ग टर्म किसको काउंट करते हैं। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? देखिए, रियल इस्टेट वैसे तो इसकी नेचर जो है दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाउएवर, चूँकि बहरिया की मार्केट को मैं कहता हूँ कि बहरिया मार्केट इज़ द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ रियल इस्टेट, तो अकॉर्डिंगली ज़ाहिर है यहाँ पे ज़रा टेन्योर उस हिसाब से होता है। स्टिल जो हम शॉर्ट टर्म में काउंट करते हैं दैट इज़ अ 2 ईयर इन्वेस्टमेंट, और जो हम लॉन्ग टर्म में काउंट करते हैं दैट इज़ 5 ईयर इन्वेस्टमेंट। 5 ईयर्स में हम उसको एवेल्यूट करते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुई, हाउ मेनी फोल्ड्स वो इंक्रीज हुई। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हमने डिफरेंशिएट किया कि जी लॉन्ग टर्म वेल तो 5 ईयर्स के लिए होती है, स्टेबल सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट होती है, आपको एक डेफिनेट श्योर शॉर्ट रिटर्न्स देती है। ऑन द शॉर्ट टर्म आपका जाहिर है कि एक शॉर्ट टर्म में आप एक अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर रहे होते हैं कि वो एडवांटेज जो कि आपने ज़्यादा टाइम में लेना था आप उसको कम टाइम में ले रहे हैं, तो उसके लिए फिर जाहिर है 2 to 3 ईयर्स का आप स्टिल माइंड रखें। मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आई कि यार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं हम 3 महीने 4 महीने की, तो रियल इस्टेट में 3-4 महीने की इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, तो ये इनफ टेन्योर नहीं है जिसमें रियल इस्टेट इंक्रीज हो और आपको उसका बेनिफिट मिले। सो शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब होता है कि जी मिनिमम 2 to 3 ईयर्स, लॉन्ग टर्म पे मैक्सिमम 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाती है रियल इस्टेट की। अगर जो आपकी इन्वेस्टमेंट 5 ईयर्स में भी मैच्योर नहीं हो रही, इट मीन्स दैट यू नीड टू शिफ्ट योर इन्वेस्टमेंट। जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो इतनी आइडियल जगह नहीं है, क्योंकि 5 ईयर्स में ऑल ओवर द ग्लोब रियल इस्टेट 5 साल में डबल करती है। अगर जो आपकी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 5 साल में डबल नहीं कर रही, यू नीड टू फ्लिप इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज यू आर मिसिंग अनदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी।